ऐसा भी होता है क्या कि मौत आने के पहले कुछ संकेत होता है जो प्रकृति आपको देती है, आप समझ नहीं पाते, सपने के थ्रू या फिर कुछ भौतिक चीज के थ्रू? मान लीजिए कई बार कहा जाता है सर पे आके कौआ बैठना अशुभ होता है, क्या ये वाकई में सच है ऐसा, या फिर काला भैंस, ये सब क्या है? देखिए, स्वप्न में वास्तव में मृत्यु से पहले 6 महीना पहले से ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। तो मृत्यु का लक्षण प्रकट होता है तो जो संवेदनशील लोग होते हैं, जैसे जिसको स्वप्न के द्वारा जिसका इंट्यूशन होता है, सब लोग नहीं ये महसूस कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस करते हैं, जैसे स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति का, मरे हुए पितरों का बराबर दिखना चालू हो जाना, ठीक है। जो भी वृद्ध व्यक्ति रहेगा जो मृत्यु के करीब होता है तो उसको देखेगा, बोलने लगता है ये फला व्यक्ति आया था, जो मरे हुए व्यक्ति था सबको बोलता है कि ये आया था, ये बोल रहा है, तो वो लोग दिखने लगते हैं। कहा जाता है कि मतलब कि वायुमंडल में एक दीवार जैसा चित्र बन जाता है, उसमें सब पितर दिखने लगते हैं, ठीक है। और कौवा का भी जो होता है, जो सर पे बैठ जाना या मार देना, ये भी देखिए पशुओं में क्या होता है कि औरा के रीड करने की क्षमता होती है, तो किसी का अशुभ जैसे होता ना कि ये ऐसा मांसाहारी जीव है तो उसको पहले से लक्षण पता चलता है इसका मृत्यु हो रहा है, इसलिए वो मारने का कोशिश करता है, ठीक है। तो कौवा का बैठना या कौवा का मारना भी उसका एक लक्षण ही है। और स्वप्न में बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक तो हाथ का कटना देखना, पैर का कटना देखना, ये किसी परिजन की मृत्यु का कारण बनता है। साथ में अपने मृत्यु के लिए जो है उसमें विशेष रूप से पितरों का देखना और भैंसा का स्वप्न देखना, ठीक है, कि दौड़ा रहा है, ठीक है, ऊंचाई से गिरते हुए देखना या बहुत गंदे जल में जो है डूबते हुए देखना, ये सब मृत्यु के लक्षण को प्रकट करता है।